हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला एक बहुत ही मजेदार गैजेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है Xiaomi की तरफ से MI का 360 डिग्री होम सिक्योरिटी कैमरा है। और ये कैमरा एक अपने में बहुत ही मजेदार गैजेट है। ये कैमरा आप अपने शॉप के लिए, होम के लिए, एवरीथिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इस कैमरे को आप वायरलेस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग के बारे में। साथ में हम देखेंगे इसमें बॉक्स में कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। साथ में हम बात करेंगे इसके जो अनेक फीचर्स हैं, बहुत ही मज़ेदार फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। 1080p में रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और साथ में देखेंगे इसकी प्राइस हमको क्या पड़ जाती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर अपना है मेरे चैनल पे तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सामने की तरफ देखने लिखा हुआ है MI का होम सिक्योरिटी कैमरा 360 डिग्री 1080p में आपका रिकॉर्डिंग हो सकता है। AI मोशन डिटेक्शन अलर्ट वगैरह दिया हुआ है। और साथ में लिखा हुआ ये आपका HD हाई डेफिनेशन वीडियोस है। इंफ्रा रेड नाइट विजन भी दिया हुआ है इसमें। नाइट विजन मतलब कोई भी लाइट अगर नहीं चल रही हुई तो भी आपका नाइट में रिकॉर्ड हो सकता है। और इसमें आपका एक और मजेदार फीचर है जो कि आपका है टॉक बैक फीचर, कि इसमें आप बात भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। इधर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, MI होम लिखा हुआ है। और पीछे देख ले, पीछे कुछ कंटेंट वगैरह दिखा हुआ है। और ये देख ले, MRP प्राइस दी हुई है 2899 रुपीज़। पर ये प्राइस जो मेरे को पड़ा है, आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आइए इसको फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग क्या क्या बॉक्स कंटेंट है। तो ये मैंने इसको फटाफट से कर लिया इसको अनबॉक्स, और ये हम रिमूव कर लेते हैं इसका रैप। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है ये कुछ गाइड्स वगैरह मिल जाएगा। इसको आप प्रॉपरली से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कनेक्ट करने में। इस तरीके से वॉल माउंट वगैरह दिया हुआ है, और पीछे की तरफ कुछ कनेक्ट करने के लिए फीचर्स वगैरह दिया हुआ है। तो ये आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। साथ में हम देख लेते हैं क्या मिल जाता है। सबसे ऊपर देख ले, तो सबसे ऊपर में हमें हो सकता है ये अडेप्टर वगैरह दिया हुआ हो। तो आइए इसको फटाफट से खोल के देख लेते हैं। जी हाँ, ये सबसे पहले हमें मिल जाता है कुछ अडेप्टर्स, केबल्स वगैरह मिल जाता है। ये देख सकते हैं, ये हमें केबल्स मिल जाता है। तो ये आपको जो मिलता है वो आपको मिल जाता है एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है आपको। ये केबल है, एक लॉन्ग केबल है, नियर अबाउट 1.5 मीटर जितना लंबा केबल है। और ये आपको मिल जाता है एक अडेप्टर। और इसकी रेटिंग हम देख लेते हैं, तो इसकी रेटिंग दी हुई है नियर अबाउट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की रेटिंग दी हुई है। ये बहुत ही बढ़िया अडेप्टर दिया हुआ है। साथ में ये दिया हुआ है आपको, ये वॉल माउंट करने के लिए दिया हुआ है। वॉल में कहीं पर भी लगाना हो तो उसके लिए माउंटिंग दी हुई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिया हुआ है कंटेंट वगैरह इसमें। और साथ में अब हम निकाल लेते हैं जो है कि ये मेन कैमरा। तो ये इसको रखते हैं साइड में और निकाल लेते हैं। ये है मेरा मेन कैमरा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आता है पूरे ही बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक रैप में आता है। और इसको फटाफट से हम निकाल लेते हैं पैकेट से। तो इसका पैकेट मेरे को करना पड़ेगा ये पूरा ही टियर। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिश में आ जाता है आपका ये MI का कैमरा। वाइट कलर दिया हुआ है, और पीछे में आपका ये स्पीकर वगैरह दिया हुआ है। और फ्रंट में आपको ये पूरा ही रोल ऑन दिया हुआ है। ये आपका अप एंड डाउन ये पूरा हो सकता है, ये पूरा ट्विस्ट हो सकता है 360 डिग्री। और अभी मैं आपको वर्क करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है, पूरा ही इसका कनेक्ट करने का दिखाऊंगा। और ये आपको वॉल माउंट करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ आप लगा के इसको वॉल माउंट में कर सकते हैं। और देख ले कुछ फीचर्स वगैरह दिया हुआ। तो ये आपका दिया हुआ है रीसेट बटन वगैरह दिया हुआ है। ये माइक्रो USB पॉइंट दिया हुआ है इसे प्लग इन करने के लिए। तो सिंपली ये प्लग इन प्ले वाला सिस्टम है, इसको आप प्लग कर दीजिए, पावर दे दीजिए, और ये आपका काम करने लग जाएगा। तो आइए इसको हम फटाफट से अब हम कनेक्ट करके देख लेते कैसे ये वर्क करता है। अब मैं इसको देने वाला पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई ऑन करके मैंने इसको ये इसको पावर सप्लाई मैंने दे दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट वगैरह दिया हुआ है, पर इसमें आपका जो है बहुत ही हाई क्लास वाला जो कि आपका क्लास 10 वाला मेमोरी कार्ड है वही लगाने के लिए इसमें परमिट दिया गया है। थोड़ा ही लो क्लास का आप लगाएंगे तो कुछ भी करप्ट हो सकता है। और ये आप देखें सिस्टम ऑन हो चुका है, ये कैमरा ये आप देख सकते हैं ये बोल रहा है इसमें कुछ ना कुछ कि कनेक्ट हो चुका है। ये आपका कनेक्ट होने के बाद इस तरीके से ये रोटेट होगा। और ये अब चेक कर लिया है कि किस तरीके से जो है अब ये अप एंड डाउन भी चेक करता है। जैसे ही ये ऑन होता है तो एक बार ये फर्स्ट टाइम अप एंड डाउन होगा और ये येलो लाइट ब्लिंक करेगी। तो अब मैं इसको इसके लिए करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले
एक ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जो कि आपका है Xiaomi Home नाम से। तो ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और साथ में इधर आप जाके इसको ऑन करेंगे तो यहाँ आएगा एक ऐड डिवाइस वाला ऑप्शन और टर्न ऑन करना रहता है इसमें ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ मैं इसको टर्न ऑन कर दे रहा हूँ। लोकेशन वगैरह देना है तो गो टू सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपको लोकेशन ऑन करना है तो आप लोकेशन भी ऑन कर सकते हैं। और बाकी ये कमांड इसमें बोलता रहता है क्या क्या करना रहता है। तो ये आप देखें नियर बाई डिवाइस दिखा रहा है इसमें, तो ये आपका देखिए आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा नियर बाई डिवाइस से। तो ये है देखिए कैमरा दिखा दिया है मेरा MI का होम सिक्योरिटी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए ये अब बारकोड आ गया, ये बारकोड क्या करना है इस कैमरे के एकदम एग्जैक्ट सामने लाना है। ये स्पीकर में भी बोलता है कि बारकोड को जो है आप सामने ले आए, तो ये आप देख सकते हैं अभी मैं इसको सामने ले आऊँगा और ये अभी डिटेक्ट कर लेगा। ये हाँ जब आपका बारकोड स्कैन कर लेगा तो इसमें स्पीकर में भी बोल देता है कि बारकोड स्कैन सक्सेसफुली, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, नेटवर्क से भी कनेक्ट हो चुका है, अभी एनालाइज कर रहा है, डिवाइस एडेड हो चुका है, सेशन टाइम आउट वगैरह ये ओके हो चुका है। अब ये आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या चीज़ के लिए दिखाना है, कि बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हो। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बेडरूम के लिए और ये वीडियो कैमरा नाम डिवाइस यही रखते थे, बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं डिवाइस का नेम। शेयर विद डिवाइस अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, कंटिन्यू कर देता हूँ, एग्री कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अब मेरा ही ये हैंड आ रहा है इसमें। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके फीचर्स वगैरह मैं बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा। इसमें आपको जो है इसको रोटेट करने के लिए यहाँ ये देखिए जॉयस्टिक साइड से ये अप एंड डाउन एरो वगैरह दिया हुआ है लेफ्ट राइट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये अप एंड डाउन हो रहा है, ये देखिए कैमरा ऊपर हो रहा है और वैसे ही सेम आप नीचे करते तो नीचे होगा और साइड करेंगे साइड होगा, इस साइड करेंगे तो इस साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा ही एक्सेस कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा ही कैमरा रोटेट होगा, ये पूरे ही तरीके से पूरा ही रूम का टूर करा देगा। तो ये इस तरीके से पूरा वर्क करता है। और इसके फीचर्स वगैरह देख ले, इसमें आपको ऑटो फीचर्स दिया हुआ है कि आपको क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसी चाहिए। इसमें आप चाहे तो ऑटो पे भी रख सकते हैं, लो पे भी रख सकते हैं, हाई HD पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसको HD कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इसकी क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाती है वीडियो की। और इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। और इसमें सेटिंग्स देख ले क्या है, इसमें वीडियो रिकॉर्ड करने का भी दिया हुआ है। तो वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगी कि यहाँ आपको ये जो बॉटन में यहाँ मेमोरी कार्ड लगाने का दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जो है मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, 32 से 64 GB तक का जो है आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं मैं इसको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग चालू भी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं ये साउंड का फीचर दिया हुआ है, ये टॉकबैक फीचर्स नहीं दिया हुआ है। ये माइक क्या दिया हुआ है कि इसमें अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसमें आवाज़ आ जाएगी, और मैं जैसे कैमरा ये ऑन किया हुआ हूँ, लेकिन इसका टॉकबैक फीचर वर्क कैसे करता है, ये देखिए रिपीट हो जा रही मेरी साउंड। और टॉकबैक फीचर वर्क कैसे करेगा कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये वॉइस कॉल लिखा हुआ है, तो ये आप माइक ऑन कर लीजिए, या फिर माइक नहीं भी ऑन करना है तो आप ये कॉलिंग वाला कर देंगे तो अलाउ कर देंगे ऑडियो वाला, हेलो, तो यहाँ से जो है वॉइस आता है। ये आप माइक ऑन कर देते हैं, ये वॉइस रिसीव करने के लिए वहाँ से आने के लिए जो है यहाँ से माइक ये ऑन कर देना पड़ेगा। तो अब मैं इसको वॉइस कॉल पे कर देता हूँ, हेलो हेलो, ये देखिए ये वॉइस रिपीट हो जाती है। तो ये कॉलिंग फीचर्स दिया हुआ है इसमें, ये आप कर सकते हैं, प्लेबैक वगैरह दिया हुआ है, शॉर्टकट्स वगैरह भी दिए हुए हैं कई सारे, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। ये देखिए स्लीप मोड दिया हुआ है और कैमरा कैलिब्रेशन है, पॉपअप विंडो वगैरह ये सब सेटिंग्स दिया हुआ है इसमें। और यहाँ 3 बटन में जाते हैं, ये सब कैमरा सेटिंग्स वगैरह है, स्टोरेज मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, फोटो एल्बम वगैरह, और अगर आपका कोई भी प्लेबैक वगैरह है, स्टोरेज या फिर नो मेमोरी कार्ड इसमें दिखा रहा है, आपको इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है सारा कि आपको अगर 16 GB स्टोरेज लगाएं तो ये आपका 720p में 48 घंटा रिकॉर्डिंग करेगा, 1080p में 36 घंटा रिकॉर्डिंग करेगा, तो इस तरीके से सारा दिया हुआ है इसमें 64 GB तक में ये सारा। तो ये इस तरीके से आप चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा मेमोरी कार्ड लगाना है या कौन सा रिकॉर्डिंग आपको करना है, तो वो सब आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप क्वालिटी देख ले तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी हुई है, और मैं आपको एक बड़ा स्क्रीन भी करके दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से आप देख लें कि क्वालिटी कितनी अच्छी दी हुई है इसमें, और इसको आप वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो मेरे को पड़ा, इसका एमआरपी प्राइस 2899 है, पर इसका प्राइस जो मेरे को पड़ा है वो पड़ा है नियर अबाउट 2650 रुपीस पड़ा है, वो भी डिस्काउंट के साथ, और इसका ऑनलाइन प्राइस नियर अबाउट 2699 है। तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं या नियरेस्ट स्टोर में भी आप जाके परचेस कर सकते हैं एमआई के। तो ये सब इसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग फीचर है। वायरलेसली इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर लें, ये आपका कहीं पे भी लगा हो, आप इसको बस वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। ये कैमरा ऑटोमेटिकली वर्क करता है, बस इसको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए। ये जहाँ पे भी होगा उसको नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल चाहिए, नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा वाईफाई से। तो ये आपका एनी टाइम आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइव एक्सेस कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। और इसको आप घर बैठे कहीं पे भी, आपका शॉप हो गया, कोई भी मतलब ऑफिस वगैरह हो गई, आप चाहते हैं कि आपको कहीं पे भी नोटिस करना है किसी भी पर्सन को या अपने एरिया को अंडर कैमरा रखना है, तो ये आप इसको कहीं से भी घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मोबाइल में पूरा कंप्लीट लाइव पूरा दिखाता है। ये आप देखिए रोल करते हैं तो मेरे को ये पूरा ही रोल करके पूरा ही दिखा देता है, ये देख सकते हैं आप। और इस तरफ मैं करता हूँ तो ये पूरा बैक इधर हो जाएगा, और ये आप मैं करूँ ये अप एंड डाउन भी पूरा हो जाता है, और ये डाउन कर देते हैं डाउन भी पूरा हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा ये कम्प्लीटली वर्क करता है 360 डिग्री की तरह। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही मज़ेदार चीज़, बहुत ही गज़ब का गैजेट दिया हुआ, एक्सेसरीज भी इसमें सब दिया हुआ है। हालांकि जो माउंट वाला करने का दिया हुआ है वो भी आप अमेजिंग, बहुत ही सिंपल है, माउंट करने का दो होल दिया हुआ है, आप इसको टाइट करके आप माउंट कर सकते हैं और इजिली कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, बस एक पावर अडेप्टर के लिए सप्लाई चाहिए होगा। तो बस यही है इस कैमरे के बारे में, ये सारी डिटेल दी हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। साथ ही अगर आपको गैजेट परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर से प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही अगर आप नए मेरे चैनल पे तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ गोल्ड कलर का आइकन आ रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए धन्यवाद।